न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत खाद्य आपूर्ति अधिकारियों पर सटीक बैठती दिखाई पड़ती है। खाद्य आपूर्ति अधिकारियों की धींगा मस्ती का आलम देखिए। गरीबों के पेट तक पहुंचने वाला निवाला आखिर बारिश की भेंट चढ़ गया, और वो भी तब जब एक सप्ताह पहले विधायक और दो दिन पहले जिलाधीश ने चक्रवात के कहर को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को खुले आसमान के नीचे पड़े अनाज की सुरक्षा के प्रबंध करने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके लापरवाह अधिकारियों पर न तो शासन और न ही प्रशासन के निर्देशों का कोई असर हुआ। ये तस्वीरें रेवाड़ी जिला की कोसली अनाज मंडी की हैं, जहां बीते बुधवार को दिन भर चली झमाझम बारिश में ये अनाज भीगता रहा, लेकिन किसी ने भी इसे ढकवाने की जहमत तक नहीं उठाई। देर शाम जैसे ही भीगते हुए अनाज का वीडियो जिलाधीश यशिंदर सिंह तक पहुंचा, तो उन्होंने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए न केवल खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि रात को ही कर्मचारियों को भेज अनाज को ढकवाया। इतना ही नहीं, जिलाधीश यशिंदर सिंह ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी को दो दिन के भीतर इस मामले में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए। कोविड मामलों की समीक्षा करने आज रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के सामने जब ये मामला उठा, तो उन्होंने भी जिलाधीश को इस पर कार्रवाई के निर्देश दे डाले। वहीं कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इसे संबंधित अधिकारियों की बड़ी लापरवाही मानते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अनाज बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। ये अनाज राशन डिपुओं के माध्यम से गरीबों तक पहुंचना था, लेकिन अब दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा रेवाड़ी जिला में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी भीगा हुआ अनाज गरीबों तक पहुंचने की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती रही है, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कहकर हर बार मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मगर इस बार जिलाधीश यशिंदर सिंह इस बड़ी लापरवाही को लेकर एक्शन के मूड में हैं। उनके मुताबिक मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है। उनका कहना है कि जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि नुकसान की भरपाई भी दोषी अधिकारी से की जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कल व्हाट्सएप के माध्यम से किसी सज्जन ने मेरे संज्ञान में ये लाया था कि वहाँ पे कुछ अनाज भीगा है, तो उस बारे में हमने जो कोसली का पर्टिकुलर इंसिडेंट है जो उस बारे में तो एक इंक्वायरी हमने एसडीएम रेवाड़ी को दे दी है, तो वो जांच करके बताएंगे कि क्या हुआ है, किसकी गलती है और कितना अनाज डैमेज हुआ है। उसके अतिरिक्त सभी विभागों को, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को जो इसमें डील करती हैं, उन सबको भी निर्देश हमने जारी कर दिए हैं और उन्होंने कल रात को ही अपना सारा अनाज ढक लिया है, तो ऐसी ये भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। सर, एक जो ये इशू मीटिंग में आया था और एक सप्ताह पहले मैं भी कोसली मंडी में गया था और मैंने उन सब चीज़ों का निरीक्षण किया था और उनको हिदायत भी दी थी, भाई ये कभी भी बारिश आ सकती है, इसको दुरुस्त करें। लेकिन इन्होंने गलती की है, क्योंकि देखिए अनाज किसी के पेट में जाता तो उसकी भूख खत्म होती, लेकिन इस तरह से वेस्ट करना ठीक नहीं है। इसकी हम इंक्वायरी करा रहे हैं और आपने, मैंने डिस्ट्राफ से बात भी कर ली है, तो इसके बारे में हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे, कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही तो मानी जाए अधिकारी, निश्चित तौर पर लापरवाही है और ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हर साल इस तरह से होता रहा है और हर साल ये भी कहा जाता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। इस कार्रवाई इसमें क्या नहीं, इस बार कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम तो रोज मिलेंगे आपसे। सर, ये गेहूँ गरीबों के लिए जा रहा है, ये जो गेहूँ है ये डिपो होल्डरों के पास जाता है और वजन में हेरा फेरी करने के लिए या तो भिगोया जाता है या बारिश में इस तरह के जैसे कल चांसेस मिले तो इसको वैसे भिगो दिया। आपकी जानकारी में होगा, लेकिन मुझे यही था कि ये सीधा डिपो होल्डरों को ही जाएगा। अब वो वजन घटने बढ़ना तो ये तो दूसरी बात है, क्योंकि ये बात मेरे पास भी आई थी, फूड एंड सप्लाई का है ये और दूसरा डिपार्टमेंट था, उस दोनों के ही है, जबकि मेरे ख्याल में वेयर हाउस वालों ने तो अपना उठा लिया जी, तो इन दो के ही हैं। एफर्ट का होगा ना, एफर्ट वालों ने भी उठा लिया था, ये फूड एंड सप्लाई वालों का है, तो इसके लिए ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने पैदा होता है उसका। तो माना जाए दोषियों को जरूर सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी और इसकी इंक्वायरी करा देंगे। इसके बारे में अभी चर्चा हो रही थी और डीसी साहब ने डीएफएससी को दिशा निर्देश दिए हैं और आज वो मीटिंग में डीसी ने दी थी, वो वहाँ गए हुए हैं और जो भी नुकसान हुआ उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए, कार्रवाई की जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी।